दोस्तों ज्यादातर केसेस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेल पर तो रेंट पर रहना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम एक्सेल के बेसिस पर नहीं इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं और इसीलिए कई सारे केसेस में घर खरीदना ऑल्सो मेक्स सेंस। लेकिन आपको कुछ कंडीशंस का ख्याल करना है। सबसे पहले तो आप घर इन्वेस्टमेंट के लिए मत लीजिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी में रहने वाले हैं 15 से 20 साल तो आप घर खरीदने का सोच सकते हैं। दूसरा, आपके घर की ईएमआई आपके इनकम के 30% के ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड आपके पास अराउंड 25% प्रॉपर्टी वैल्यू का डाउन पेमेंट होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर पटेल की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो वो 30,000 रुपीज़ तक का ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं और अगर उनके पास 13 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट का अवेलेबल है तो वो 59 लाख रुपीज़ तक की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं। और भी ऐसी आइडियाज़ के लिए फॉलो कीजिए द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग।